नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल इंसानियत की आवाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं श्री अशोक गर्ग के निवास स्थान पर, जहां हम सदस्य श्री बलदेव राज सरोहा से जानकारी लेंगे, जो इनकी जगदम्बा सेवा समिति द्वारा 13 जुलाई को हरिद्वार की यात्रा की जा रही है। तो इस विषय में इनसे जानकारी लेते हैं। तो बलदेव जी, बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो फैसिलिटी है आप अपने जो सदस्य हैं उनको दे रहे हैं? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम बस जो लेके जा रहे हैं जगदम्बा सेवा समिति की तरफ से हरिद्वार यात्रा, ये 13 तारीख है जी, 13 जुलाई। 13 जुलाई उस दिन गुरु पूर्णिमा है जी। गुरु पूर्णिमा का दिन है जी, बड़ा शाही अच्छा दिन होता है, शाही स्नान होता है जी उस दिन। तो हम यात्रा पहले भी कई जगह लेके जा चुके हैं और जा भी रहे हैं जी। हम खाटू श्याम जाते हैं जी, माता वैष्णो देवी जाते हैं जी, वृंदावन जाते हैं जी। लेकिन ये यात्रा हमारी पहली यात्रा होगी जो हरिद्वार की हमने की है। देखो, इसमें हम पहली बार जा रहे हैं, इसका हमें नया अनुभव होगा कुछ, और लोगों की थोड़ी डिमांड भी थी कि आप हरिद्वार की यात्रा भी शुरू करें, तो उसको देखते हुए हमने ये यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में हमने क्या किया है जी, हम यात्रा के में 50 से 55 सदस्य को लेके जाएंगे। इसमें हमारे जगदम्बा सेवा समिति के मेंबर भी होंगे और बाहर के भी लोग होंगे, जो भी जाना चाहे इस यात्रा में शामिल हो सकता है। तो इसमें हमने जो भी यात्रा के यात्री हैं उनको सुबह नाश्ते का और दोपहर को लंच का सारा प्रबंध किया हुआ है, जिसमें मात्र हमने 650 रुपये किराया रखा है जी। 650 रुपये भी इसलिए रखा है कि जो सिर्फ खर्चा है, खर्चा ही हमारा पूरा हो। हमारा उद्देश्य है जी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों का मतलब यात्रा में तो कोई कष्ट ना हो, उसको देखते हुए हमने एसी बस का और खाने का अच्छा प्रबंध किया हुआ है। ये पहली यात्रा होगी हमारी हरिद्वार की, बाकी सभी यात्रा का हमें पूर्ण अनुभव है। तो बलदेव जी, बताना चाहेंगे कि जो जगदम्बा सेवा समिति है कितने वर्षों से जनता के बीच में तत्पर है? जगदम्बा सेवा समिति पिछले 16-17 वर्षों से जी जनता के बीच में सेवा कर रही है, और हमें आज तक मतलब इस सेवा करते हुए बहुत अच्छा अनुभव हुआ है और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं जी। तो सर, इसके अलावा जैसे अभी आपने बताया है कि अनेकों कार्य आपके आपकी जो संस्था है उसके द्वारा आप करते हैं जी। तो बात करें जैसे अभी लॉकडाउन के 2 वर्ष अभी बीते हैं, तो लॉकडाउन के बीच में आपकी जो संस्था है उन्होंने क्या योगदान किया है जनता के बीच? हाँ जी, पिछले लॉकडाउन में जी हमने जैसे लॉकडाउन लगा था जी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने कुल 48 दिन हमने लगातार भोजन कराया जी लोगों को। स्टार्टिंग हमारी 1000 मतलब खाने से स्टार्ट हुई थी जी, और लास्ट तक हमने 5000 तक खाना भी मतलब लोगों के बीच में सप्लाई किया है। और प्रशासन की दिशा अनुसार रेड क्रॉस ने हमें मतलब अपने साथ रखा, रेड क्रॉस ने हमें जैसे बताया कि आपको इस एरिया में खाना देना है, हम उस एरिया में खाना हमने पहुंचाया। और रेड क्रॉस के द्वारा जी हमारी जगदम्बा सेवा समिति को 5 बार सम्मानित किया जा चुका है जी। तो साथियों, बहुत अच्छे विचार हैं से जो सेवा जगदम्बा सेवा समिति है, बहुत अच्छे इनके कार्य हैं।